हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का बेहतरीन टॉपिक आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है दोस्तों, चित्रकला शैलियां आज अपन पढ़ने वाले हैं। क्या चित्रकला शैली पढ़ेंगे दोस्तों, चित्रकला स्कूल पढ़ेंगे आज। और देखिएगा लाइव जो कि स्टार्ट हो चुका है, आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में से आज अपन वो प्रश्न पढ़ने वाले, वो संभावित प्रश्न पढ़ने वाले दोस्तों, एग्जाम में जो पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर टॉपिक वाइज राजस्थान जीके को या फिर इंडिया जीके को कवर करना चाहते हैं तो भैया सुबह 9 बजे रात को 9 बजे वाली क्लास में जरूर से जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पहला ही क्वेश्चन है बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों, और हर भाई हर बहन को प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद, खम्मा गणिसा और सब जनारो गणोन गणो गणोन गणो अभिवादन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, चित्तौड़ की ओवरी कला विद्यालय की जो, देखिए दोस्तों चित्तौड़ की ओवरी कला विद्यालय किस स्कूल से संबंधित थी, चित्तौड़ की ओवरी कला विद्यालय जो है किस स्कूल से संबंधित थी, तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ, मेवाड़ स्कूल से संबंधित थी। कौन सी स्कूल से? मेवाड़ स्कूल से संबंधित थी। और दोस्तों इसका जो स्वर्णकाल रहा था ना, मेवाड़ स्कूल का या फिर मेवाड़ चित्रकला का जो स्वर्णकाल रहा था वो जगत सिंह प्रथम का रहा था दोस्तों। किसका? महाराणा जगत सिंह प्रथम का रहा था। और दोस्तों इसको जो है ना, चित्रों की ओवरी जो कला विश्वविद्यालय था इसे दोस्तों क्या कहा जाता था पता है आपको? तस्वीरारो कारखानों भी कहते थे। कि सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हाँ जी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, मेवाड़ शैली चित्रकला के प्रमुख जो कलाकार है वो कौन है? जल्दी बताइए। देखिए साहिबद्दीन होगा, राजा राम होगा, भोजराज होगा या फिर उपरोक्त सभी? आपने कहा सर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि शक नहीं करेंगे, साहिबद्दीन भी है, राजा राम भी है और भोजराज भी है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा अगर हम बात करें, देखिएगा जो तीन शासकों के समय जो है चित्रकला को बहुत बड़ी पहुंच मिली दोस्तों मेवाड़ में। जैसे बात करें, एक तो कर्ण सिंह, एक जगत सिंह और एक महाराणा उजराज सिंह, इनके शासनकाल में काफ़ी जो है महत्वता मिली थी चित्रकला को। और दोस्तों 1628 में आपको याद हो तो रागमाला जो कि चित्रित हुआ था दोस्तों, और वो जो है आप सबको पता भी होना चाहिए दोस्तों किसके समय में चले, तो आगे क्वेश्चन आ जाएगा। नाथ द्वारा उपशैली का उद्भव किसके शासनकाल में होता है दोस्तों? ये आंसर बड़ा शानदार है, नाथ द्वारा उपशैली का उद्भव जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाराणा उदय सिंह होगा, अमर सिंह प्रथम होगा या फिर महाराणा राज सिंह या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा वो सी ऑप्शन के साथ जाएगा, महाराणा राज सिंह हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें 1671-72 की बात है दोस्तों, नाथ द्वारा उपशैली का उद्भव जो है इस समय ही हुआ था, 71-72 के टाइम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई चावंड शैली के प्रमुख चित्रे जिन्होंने रागमाला का चित्रण किया था, चावंड शैली के प्रमुख चित्रे जिन्होंने रागमाला का चित्रण किया, नसीरुद्दीन, नानेग्राम, साहिबराम या उनमें से कोई नहीं? तो देखिए चावंड की बात आई तो भैया नसीरुद्दीन को कर ही लेंगे, बोले सर किसके समय में किया था। अगर ऐसा ही क्वेश्चन बन जाए, चावंड का पूछा है आपको, ठीक है, बोले सर किसके समय में, तो देखिए दोस्तों नसीरदी थे, इन्हें नसीरदी भी कहा जाता है। 1605 की बात है प्यारे मित्रों, कब की बात है? 1605 की बात है, अमर सिंह प्रथम के समय में महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय चावंड शैली के प्रमुख चित्रे जिनका नाम था नसीरुद्दीन, इन्होंने रागमाला का चित्रण किया था सर। हाँ जी, नंबर 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चित्रकार साहिबराम ने किस शासक का आदमगत चित्र बनाया था? अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जो साहिबराम जो थे ना वो कहाँ के चित्रकार थे। आपने कहा सर ये तो जयपुर के चित्रकार थे, चलो जयपुर के थे, तो साहिबद्दीन कहाँ के थे दोस्तों? यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, साहिबद्दीन उदयपुर के चित्रकार थे मतलब मेवाड़ के, और साहिबराम जो थे वो जयपुर के थे। ठीक है, कन्फ्यूजन को दूर कर दियो यहाँ से, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब बात करें कि सर कब से कब तक, 1743 से लेकर 1750 के बीच में दोस्तों ये बना था। ठीक है, साहिबराम ने जो है ना एक रास मंडल की स्थापना भी की थी, रचना भी की थी रास मंडल। दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, रास मंडल जो है ये कौन से चित्रकार के द्वारा की गई रचना है? तो दोस्तों ध्यान रखना ये साहिबराम हो जाएंगे राइट आंसर। ओके साहब,
किस शैली पर मुगलों का अधिक प्रभाव पड़ा था, सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो कौन सी शैली है जहाँ पर मुगलों का अधिक प्रभाव पड़ा था? तो हाड़ौती शैली या फिर मारवाड़ी शैली या फिर आमेर शैली या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो होगा नहीं दोस्तों। देखिएगा आमेर जो शैली है ना, इस पर मुगलों का काफ़ी प्रभाव पड़ा, आप सब जानते हैं। और प्रारंभिक जो चित्र था दोस्तों किसका, आपने कहा सर ये आमेर का, प्रारंभिक चित्र जो था ना आमेर का, प्रारंभिक चित्र था आदि पुराण। क्या प्यारे मित्रों? आदि पुराण था। और ये जो है ना पुरुष दत्त के द्वारा, देखिए पुरुष नहीं पुष्प दत्त आई थिंक नाम है ना, पुष्प दत्त के द्वारा जो लिखा गया था 1540 में दोस्तों, ये जो है चित्रकार हुए थे और इन्होंने जो है इसकी रचना की थी चित्र की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा चित्र ग्रंथ दोस्तों? चित्रित ग्रंथ आदि पुराण। रचना किसने की? पुष्पदत्त ने। कब की? 1540 में, जो प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है। नंबर 17, 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर बतला दीजिएगा। जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। गोपीराम, साहिबराम, रघुनाथ राम, देखिए गोपीराम, साहिबराम, रघुनाथ, शालिग्राम या मीरबख्श, जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। तो वो हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? आपने कहा सर मीरबख्श हो जाएगा। तो फिर है जो मीरबख्श कहाँ के दोस्तों? तो ये उनियारा के हैं, उनियारा शैली के हैं मीरबख्श दोस्तों। कौन सी? उनियारा शैली के मीरबख्श है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। और उनियारा शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? आपने कहा सर टोंक की है। ओके साहब, अगला क्वेश्चन बताते हैं। 10-8 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि भाई जोधपुर की संस्कृति परंपरा वे जोधपुर की संस्कृति परंपरा व कलात्मक परिवेश को नया रूप दिया किसने दिया? भैया बात करेंगे महाराजा जसवंत सिंह की या फिर महाराजा विनय सिंह, विजय सिंह या फिर राजा मालदेव, या इनमें से कोई नहीं। आपने कहा सर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, मालदेव। ओके साहब, सी ऑप्शन को लॉक करते हैं। उनकी उनकी दोस्तों जो सैनिक रुचि जो थी, उनकी सैनिक रुचि जो थी वो बेहतरीन थी दोस्तों, क्योंकि इसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं या फिर हमें जो भी दोस्तों इससे संबंध जो स्पष्ट होती है वो बात, जो छोकेला और मेल पर चित्र जो स्पष्ट दिखाई देते हैं कि भैया उनकी जो है ना, उन्होंने कलात्मक और परिवेश को नया रूप दिया है जोधपुर की। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। शील कुंवर, मानवती, फूलमती, चंद्र कुंवर की कथाएं चित्रित है। शील कुंवर, मानवती और फूलमती, चंद्र कुंवर की कथाएं चित्रित है, किससे संबंधित है, कौन सी शैली से संबंधित है? प्यारे दोस्तों जोधपुर होगा, अलवर होगा, नागौर या जैसलमेर। आपने कहा सर जैसलमेर को लॉक करना है, चलो कर देते हैं। और मूमल चित्र भाई साहब कहाँ का प्रसिद्ध है? मूमल भी जैसलमेर की ही प्रसिद्ध चित्रकला है। ओके सर, चलिए तो ये ध्यान रखना, शील कुंवर, मानवती, फूलमती, चंद्र कुंवर और मूमल, ये पांचों के पांचों कहाँ की चित्रित ग्रंथ है? आपने कहा सर जैसलमेर के आपके, हाँ जी जैसलमेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, जरा ध्यान देना। तो कि भी जो बीकानेर शैली के लिए स्वर्णकाल किस शासक का रहा? बीकानेर शैली के लिए स्वर्णकाल किस शासक का रहा? अरूप सिंह को लॉक करेंगे या गंगा सिंह को? आपने कहा सर गंगा सिंह को नहीं, अरूप सिंह को लॉक कर देते, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। 1669 से लेकर 1698 तक रहे थे ये अनूप सिंह। दोस्तों अनूप सिंह ये केवल केवल शासक नहीं थे, अनूप सिंह केवल ही केवल शासक ही नहीं थे, ये दोस्तों संगीत ज्ञाता भी, देखिए संगीत के भी ज्ञाता थे, ठीक है, और विद्वान भी थे दोस्तों, और इनमें संपूर्ण जो कहते हैं ना गुण थे, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखना, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और इन्हीं का जो है ये काल जो है स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों, और इन्हीं के काल में दोस्तों कौन रहे थे? भाव भट्ट जो है इन्हीं के काल में रहे थे, आपको पता हो तो। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध महिला चित्रकार जिनका नाम है साहिबा किस शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध महिला चित्रकार साहिबा कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? अलवर, अजमेर, नागौर या जयपुर? आपने कहा सर अजमेर होगा, तो भैया अजमेर को लॉक करेंगे, है ना, आपने कहा तो हम क्यों लॉक नहीं करेंगे, भैया बी ऑप्शन को लॉक कर लेना। और दोस्तों ये जो है ना अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध किया किसने? इन्होंने, साहिबा ने, साहिबा ने क्या किया? अजमेर जो लघु चित्र शैली को जो है इन्होंने क्या किया? बोले सर समृद्ध किया। और सर्वाधिक चित्र जो है ना दोस्तों कुमार संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में रखे हुए हैं। मैं आपसे बात करूं कि भाई सर्वाधिक चित्र कहाँ पे रखे हुए, तो भैया कुमार संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में रखे हुए हैं। ओके सर, नंबर 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बता दीजिएगा।
मेवाड शैली में सुपासनाचर्यम ग्रंथ जो है, सुपासनाचर्यम ग्रंथ दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ। किसके द्वारा चित्रित हुआ था? हीरानंद के द्वारा, साहिब दीन के द्वारा, मनोहर के द्वारा या जगन्नाथ के द्वारा? बोले सर ये हीरानंद के द्वारा हुआ था, ए ऑप्शन को सर लॉक कर देना। चलिए सर ये 1422-23 में हुआ था चित्रित, ओके साहब 22-23 में हुआ था। और इसका उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है दोस्तों? इसका उल्लेख विजय वल्लभ सूर्य स्मारक ग्रंथ में मिलता है, विजय वल्लभ सूर्य स्मारक ग्रंथ में मिलता है। ओके सर अगला क्वेश्चन बताइए, महाराजा भाव सिंह किस चित्रकला स्कूल से संबंधित थे? महाराजा जो भाव सिंह थे ना, ये कौन सी चित्रकला स्कूल से संबंधित थे? कोटा, बूंदी, चावंड या अलवर? कोटा, बूंदी, चावंड या फिर अलवर? आपने कहा सर बूंदी हो जाएगा, चले तो भाव सिंह जो है बूंदी चित्रकला स्कूल से संबंधित थे दोस्तों। और इनके साहित्यकार की बात करें, इनके समय में जो साहित्यकार रहे थे मती राम रहे थे दोस्तों। कौन? मती राम रहे थे। और ये जो शासक थे 1658 से लेकर 1681 तक रहे थे आई थिंक, है ना? तो ध्यान रखना 1658 से 1681 तक भाव सिंह रहे थे, बूंदी के शासक थे। और अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। देखिए दोस्तों बनी ठनी जो है चित्रकला ग्रंथ किसके द्वारा चित्रित है? बनी ठनी चित्रकला ग्रंथ किसके द्वारा चित्रित है? निहाल चंद, कमल चंद्र, पुष्पदत्त या फिर अमरचंद? तो राइट आंसर इससे आसान क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, निहाल चंद हो जाएगा प्यारे मित्रों। क्या हो जाएगा? निहाल चंद हो जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों, इन्होंने अनेकों चित्रों पर अंकन किया, ठीक है, अनेक चित्रांकन किए। निहाल चंद चित्रों में अपना नाम जो है ना लिखते थे ना, अपना नाम लिखा करते थे, लेकिन नाम किस भाषा में लिखा करते थे आपको पता है? फारसी भाषा में लिखा करते थे। अरे वाह, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 20 पैसे का टिकट किस शैली पर जारी किया गया है? ये बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 पैसे का टिकट जो है ना किस शैली पर जारी किया गया? तो दोस्तों अजमेर, नागौर, किशनगढ़ या उपरोक्त सभी? आपने कहा सर सी ऑप्शन को लॉक करें, चलिए सी ऑप्शन को। दोस्तों निहाल चंद मोर ध्वज के द्वारा ये बनाई गई थी बड़ी ठनी पेंटिंग, बड़ी ठनी पेंटिंग। अब आप कहेंगे सर ये किसकी थी? अरे भाई साहब ये राधा की थी दोस्तों, राधा की पेंटिंग थी। और राजा कौन थे दोस्तों? सावंत सिंह राजा थे। उन्होंने बाद में अपना नाम चेंज करके नागरीदास रख दिया था, ठीक है। तो किशनगढ़ शैली से संबंधित ये सब कुछ। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, कागड़ा शैली का जो है ना ब्रज साहित्य, कागड़ा शैली व ब्रज साहित्य से प्रभावित जो इफेक्टिव जो शैली रही वो कौन सी? किशनगढ़ रही, जैसलमेर रही, नाथद्वारा रही या फिर बीकानेर रही? आपने कहा, क्या कहा बताओ सर, हम तो कभी कहते ही नहीं, आप भी बता रहे हो और आप ही पूछ रहे हो। अरे भाई साहब मैं आप ही की तरह से कर रहा हूँ, है ना? अगर मैं नहीं बोलूँगा ऐसा तो आप कहेंगे सर आप हमारे बारे में कुछ नहीं बोले, इसीलिए मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ, है ना? तो चलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। दोस्तों ये कागजी शैली है, ठीक है, ये कागजी शैली भी कहते हैं इसे, इसे कागड़ा शैली भी कहते हैं, इसे ब्रज साहित्य भी कहते हैं। प्यारे मित्रों, प्यारे मित्रों क्या बोलूँ आपको अब, है ना, ध्यान रखना। और नारी पर आधारित है दोस्तों, ये नारी सौंदर्य पर आधारित जो है, नारी सौंदर्य पर जो है आधारित चित्रकला शैली है। और दोस्तों ये कौन सी स्कूल से जुड़ी हुई है? स्कूल जो है वो जोधपुर स्कूल से जुड़ी है। आप कहेंगे सर जोधपुर स्कूल कौन सी? जोधपुर शैली से। नंबर 17 राइट आंसर बताओ जल्दी से, देखो क्या हो जाएगा। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्र शैली जो है वो कौन सी है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्र शैली जो है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली या ढूंढाड़ शैली? आपको पता है आप गलत करेंगे नहीं, पता है मुझे, क्योंकि आप गलत करेंगे नहीं, मुझे पता है कि भाई आप गलत करेंगे नहीं, हाड़ौती शैली हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, हाड़ौती शैली, क्योंकि यहाँ पर शेखवाटी के बारे में कुछ दिया हुआ है नहीं। तो हाड़ौती शैली जो है ना दोस्तों कहाँ पे हमें मिलते हैं? देखिए एक तो झाला हवेली जो है ये बड़ी विशेष है इसके लिए। और दोस्तों जो कृष्ण भगवान के चरित्र है, राधा वगैरह है, ठीक है, इन सभी की लीलाओं का चित्रण जो है ना वो यहाँ पे किया हुआ मिलेगा आपको। कहाँ पर? हाड़ौती शैली में, कोटा और झालावाड़ में, बूंदी में भी। ओके सर आगे बढ़ेंगे क्या सर? हाँ जी बढ़ेंगे ना। अगला क्वेश्चन ये लो, रामलाल व सुरजन जो है ना किस शैली के चित्रकार हुए? रामलाल और सुरजन जो है ना कौन सी शैली के चित्रकार होते हैं? कोटा शैली के, बूंदी शैली के, अजमेर शैली के या उपरोक्त सभी? आपने कहा सर बूंदी शैली हो जाएगा, चलो कर देते बी ऑप्शन को। अच्छा यहाँ के दोस्तों रामलाल थे, सुरजन थे और श्री किशन भी थे, नहीं जानते क्या सर? नहीं तो चलो याद रखना, नूर मोहम्मद भी तो थे ना यहाँ के,
सर इसका भी नहीं पता, चलिए एक और लिख दो, अहमद अली भी तो था, अहमद अली भी तो था। चलिए सर इतने सारे याद हाँ रख लेना, अहमद अली, नूर मोहम्मद, श्री किशन, रामलाल, सुरजन, एक खेम जी भी थे साहब, खेम जी को कैसे भूल सकते हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन भीलों के चित्रे किन्हें कहा जाता है दोस्तों, नंबर 19 क्वेश्चन, राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा, राइट आंसर भीलों के चित्रे किन्हें कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को, स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल काबा को, बाबा को, या फिर श्री राम गोपाल विजयवर्गीय को, या फिर उपरोक्त सभी। आपने कहा सर श्री गोवर्धन लाल बाबा को कहते हैं, ओके साहब हमें क्या है, हम तो कर ही देंगे ये ऑप्शन को, स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल बाबा हो जाएगा। नंबर 20 क्वेश्चन, बूंदी शैली से संबंधित शासक जो है वो कौन है, बूंदी शैली से संबंधित शासक जो है सावन सिंह है, राजा राव राजा विष्णु सिंह है, महाराव गुमान सिंह है, या उपरोक्त सभी। बूंदी शैली से संबंधित शासक पूछा है तो भैया 1773 से लेकर 1821 तक रहने वाला शासक जो था राव राजा विष्णु सिंह था दोस्तों। और इस पर, इस बूंदी शैली पर किसका प्रभाव पड़ा आपको पता है क्या? सर नहीं पता, आप बताओ तो भाई साहब ध्यान रखना, यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा इस पर, यूरोपियन शैली का, ठीक है ध्यान रख जो साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान देना, मुरली राम जी बनवारी, देखिए एक तो मुरली राम जी बनवारी लाल जी चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है दोस्तों, ये जयपुर के हैं या बीकानेर के हैं या फिर जोधपुर के या मेवाड़ के। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सालग्राम आपने सुना होगा, नाम पढ़ा होगा, और एक साहिब राम। जब मैं साहिब राम के बारे में आपको बता दूं तो आप हमेशा जाएंगे जयपुर शैली के साथ। तो मुरली राम जी बनवारी लाल जी और सालग्राम साहिब राम, ये सारे के सारे जयपुर के हैं प्यारे मित्रों, ध्यान रखोगे ना सर रखेंगे। सीताराम बदन सिंह नानक राम, देखिएगा सीताराम बदन सिंह नानक राम चित्रकार, चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा किशनगढ़ी होगा या फिर जोधपुरी होगा या फिर अपने बीकानेर शैली या फिर नाथद्वारा शैली। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, किशनगढ़ शैली हो जाएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे के सारे भाई बने, है ना। दोस्तों बात करें ना हम नानक राम, एक नानक राम अलग है, वे अलवर से संबंधित है, और नानक राम ये अलग है, ठीक है। बदन सिंह सीताराम ये सारे किशनगढ़ी शैली से संबंधित है। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः जो है वो कौन सी है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु जो है मुख्यतः कौन सी है, दरबारी दृश्य है, शिकारी दृश्य, हाथियों की लड़ाई, या सभी। देखिए मैंने आपको बताया कि शिकारी जो है इसका मुख्य है, शिकारी इसका मुख्य है। अब बात करते हैं दरबारी भी है, ठीक है दरबार में बैठकर भी ऐसा कुछ आनंद वगैरह ऐसा कुछ भी है इसमें, ठीक है। हाथियों की लड़ाई वगैरह भी दिखाई रखी है इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उमड़ते हुए बादल भी दिखाई हुए हैं, उमड़ते हुए बादल भी दिखाई हुए। दोस्तों अब विशेषताएं बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया, रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया, तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सूरत खाना किससे संबंधित था दोस्तों, सूरत खाना किससे संबंधित था, जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से, या नाथद्वारा से। आपने कहा सर सूरत खाना जयपुर से संबंधित था, क्योंकि इसका निर्माण जो है ना सवाई जय सिंह ने करवाया था, सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों, और जिसमें जो है चित्रकार चित्र बनाया करते थे, है ना। ये सूरत खाना सवाई जय सिंह ने उन्हीं के लिए बनाया जो चित्र बनाया करते थे, मतलब चित्रकार के लिए बनाया था, ध्यान रख रहे हैं ना मेरी बात को सर, रख तो रहे हैं। चलिए नंबर 25 क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न में से प्रेरणा प्राप्त की, राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न से प्रेरणा प्राप्त की, प्रकृति, देवत्व, चांदनी, बिल्कुल की साहब, नृत्य, संगीत, कथा भी होगा, महाकाव्य, पुराण कथा, दंत कथा भी होगा, इनमें से सभी, तो सभी का मिश्रण हो रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। नंबर 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। राग रागिनी नायिका भेद ऋतु वर्णन बारहमासा और कृष्ण लीला किसके विषय है दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। राग रागिनी नायिका भेद ऋतु वर्णन बारहमासा कृष्ण लीला किसके विषय है, तो आपने कहा सर ये जो है ये बूंदी शैली के विषय है, सी ऑप्शन लॉक होगा। और दोस्तों इसी शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अंकन यही है पशु पक्षियों का, ठीक है अंकन है। तो दोस्तों ध्यान रखना चित्रकार ने यही काम किया, पशु पक्षियों के चित्र बनाए, ठीक है। और दोस्तों विकास की बात करें, राव सुरजन आड़ा के समय,
राव सुरजन आड़ा के समय इसका विकास होता है, सुरजन आड़ा के समय इसका विकास होता है प्यारे मित्रों। हालांकि उदय सिंह का भी नाम आता है कहीं कहीं पे, तो ध्यान रखना राव सुरजन हाड़ा जो है इन्हीं के समय विकास होता है, ठीक है। तो 1554 से 85 तक जो रहे थे, 1554 से लेकर 85 तक रहे थे दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे हम। तो कमला और इलायची जो है किस शैली की महान चित्रकार हुई थी? दोस्तों देखिएगा, कमला और इलायची कौन है? ये महिलाएं हैं और ये चित्रकार हुई है। ये कहाँ की महान चित्रकार हुई? देखिएगा, अलवर शैली की, या फिर अपने जोधपुर शैली की, या मेवाड़ शैली की, या फिर अपने नाथद्वारा शैली की? आपने कहा तो मैं कर लूं साहब डी ऑप्शन को, नाथद्वारा शैली हो जाएगा प्यारे दोस्तों, नाथद्वारा शैली हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। और दोस्तों इस शैली में क्या है आपको पता है? सुंदरता का भी अभाव है, और जब सुंदरता का अभाव होगा तो इस शैली के चित्रों को कौन देखेगा? आजकल तो सुंदरता देखी जाती है ना। तो दोस्तों इसमें क्या है पता है आपको? मृग जैसी खंजन छवि वाली आँखें मिल जाएगी आपको, है ना सर? हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 28, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रकार की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिएगा जल्दी से राइट आंसर। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? और दोस्तों लास्ट के जो अभी के 15 क्वेश्चन पढ़े ना अपने, मात्र 10 मिनट में पढ़े, और अगले अपने जो 15 जो क्वेश्चन थे, हाँ मात्र जो है 10 मिनट पड़े, और उससे अगले भी 10 ही में। तो दोस्तों काफ़ी टाइम पहले ही अपनी क्लास हो सकती है पूरी। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो है ना किसने की थी? आपने कहा सर गार्डन नहीं होगा, कुमार नहीं होगा, वाकणकर भी नहीं होगा, वाकणकर और ये हो जाएगा जगत नारायण हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों जगत नारायण को अपन लॉक करते हैं। अच्छा ये आलनिया कहाँ पर प्यारे दोस्तों, ये प्रागैतिहासिक चित्र की खोज हुई तो यह है कहाँ पर? आपने कहा सर कोटा में है। ओके साहब, कोटा हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। जयपुर ईरानी और मुगल शैली की समन्वित शैली कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर ईरानी वे मुगल शैली की समन्वित शैली जो है वो कौन सी है? अलवर शैली, या फिर नाथद्वारा, या किशनगढ़, या फिर बीकानेर? दोस्तों दोनों की जो है समन्वित शैली जो है ना वो कहीं ना कहीं है अलवर शैली आपकी, ठीक है। कौन सी अलवर शैली है? मूलचंद दोस्तों यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों, और यही मूलचंद आपको पता है क्या करते हैं? हाथी के दांत पर चित्र बनाने में प्रवीण है भाई साहब, चित्र बनाने में प्रवीण है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ के अन्य चित्रकारों की बात करें, मैंने आपको बता दिया नानगराम डाल चंद बल देव, ठीक है। और तो मैंने अभी बताया आपको जैसे मूल चंद, ठीक है, ये तो कहाँ के हो गए? ये तो इसके हो गए अपने अलवर के। लेकिन दोस्तों नानक राम की बात करें तो आपने कहा सर ये किशनगढ़ होगा। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ध्यान रखना। नंबर 30 क्वेश्चन है, कोटा शैली का चितेरा नहीं था, कोटा शैली का चितेरा जो है नहीं था, ये आपको बताना है। राइट आंसर डालू होगा, लच्छीराम होगा, रघुनाथ होगा, या बुद्धाराम होगा? तो दोस्तों कोटा शैली का चितेरा नहीं है, डालू कोटा का है। डाल चंद की बात करें वो भाई साहब वो अलग है, ठीक है, वो अलवर के हैं, डाल चंद अलवर के, लच्छीराम कोटा के है, रघुनाथ भी कोटा के, बुद्धाराम जो है ना ये कहाँ के पता है आपको? ये अलवर के है प्यारे दोस्तों, बुद्धाराम अलवर के हैं। इन्होंने क्या किया पता है आपको? पशु पक्षियों के चित्रांकन में ये सिद्धहस्त है, पशु पक्षियों के चित्रांकन में ये सिद्धहस्त है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सारे भाई बने। पुंडरीक हवेली और छोटा रास्ता जो है के नानाजी की हवेली के किस किस के चित्र जो है किसके समय के? दोस्तों एक बार क्वेश्चन मैं भी नहीं समझा, आप भी नहीं समझे, क्योंकि मैंने सही पढ़ा नहीं। अब पढ़ते हैं, पुंडरीक हवेली वे चौड़ा रास्ता के नानाजी की हवेली के चित्र किसके समय के है? दोस्तों एक तो पुंडरीक हवेली है और एक चौड़ा रास्ता पर जो नानाजी की हवेली है ना वहाँ के चित्र किसके समय के है? दोस्तों प्रताप सिंह, जय सिंह, ईश्वरी सिंह, या माधव सिंह, ये सभी कछवा शासक होते दोस्तों, है ना। और राइट आंसर होगा आप सभी का प्रताप सिंह हो जाएगा। दोस्तों प्रताप सिंह की बात करें तो इन्होंने गलताजी मंदिर पर भी इन्होंने काफ़ी चित्र बनवाए थे इन्हीं के समय। चलिए, प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। आप कहेंगे सर कब करवाया हवा महल का निर्माण? आप कहेंगे सर कब करवाया? तो भैया 1799 में करवाया। हवा महल में कुल कितनी खिड़कियाँ? बोले सर 953 खिड़की क्या है। ओके साहब, आगे बढ़ते हैं। कितना मंजिला है? पंच
मंजिला है सर। ओके साहब, अब तो बहुत है, अब आगे ही बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, राजा पाबू जी का व्यक्ति चित्र किससे संबंधित है? राजा पाबू जी का व्यक्ति चित्र, मतलब व्यक्ति मतलब कि दोस्तों आदमकद चित्र, समझ रहे मेरी बात को, आदमकद चित्र जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर? किशनगढ़ हो जाएगा, हाड़ोती हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा या फिर मारवाड़ हो जाएगा? आपने कहा सर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अजमेर होगा। अजमेर होगा क्या? चले तो राजा पाबू जी का जो आदमकद चित्र बनाया, व्यक्तिगत जो चित्र बनाया, वो बनाया चित्रकार चांद ने दोस्तों। अब आप कहेंगे सर कब बनाया? 1698 ईस्वी में बनाया। और क्या बताइए, और क्या बताइए? मैंने आपको बताया ना, एक साहिबा नाम से जो महिला चित्रकार हुई वो अजमेर की ही होती है, एक अल्लाह बख्श भी अजमेर के ही होते हैं, अल्लाह बख्श, ठीक है, और नानक राम भी यहीं के होते हैं दोस्तों, और ठीक है उसना भी यहीं के होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। अगला क्वेश्चन है चावंड शैली की दोस्तों, अलवर का और कौन सा है? और तो अभी मैंने दोस्तों जो बात की ना अजमेर की है, ठीक है, मैंने किसका बताया आपको? अजमेर का बताया, ठीक है ना, अजमेर का। राजा पाबू जी जो है ये अजमेर शैली से संबंधित है, चित्रकार चांद थे जिन्होंने 1698 में बनाया था। अल्लाह बख्श साहिबा वैसे हो गई, ठीक है, उसना वगैरह हो गए जैसे। और दोस्तों और की बात करें, अभी मैंने नानक राम आपका शायद अलवर का बताया होगा, है ना, अजमेर का तो नहीं बताया ना कहीं, तो अलवर के है। नानक राम जो है वो अलवर के है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में जो है प्रारंभ होती? दोस्तों जल्दी से उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा वापस लेट चले गए। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो सांगा प्रताप, अमर सिंह या दोस्तों राज सिंह। आपने कहा सर बी ऑप्शन होगा प्रताप, प्रताप के शासनकाल से प्रारंभ होती है दोस्तों, और चावंड को राजधानी बनाते हैं, महाराणा प्रताप चावंड को राजधानी बनाते हैं, जो कि सबसे लास्ट की, ठीक है, जिसमें आप खुद के जो है कुल जो है वे अंतिम 16 वर्ष तक वहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों 1605 की बात है, नसीरुद्दीन ने इसका चित्र बनाया था अमर सिंह के समय, अमर सिंह के समय किसका आपको पता होगा कि रागमाला का, ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चले सर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह की सवारी किस शैली का पहला चित्र है? दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह की सवारी किस शैली का पहला चित्र है? तो दोस्तों मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या जैसलमेर शैली? तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, महाराजा जसवंत सिंह की सवारी किस शैली का पहला चित्र है, यहीं का है, 1710 का है दोस्तों, पालकी में बैठाते हुए, मतलब कि पालकी में बैठा कर ले जाने का चित्रण है, और डब्ल्यू सी आर्चर द्वारा लिखित है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है आपको, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? प्यारे मित्रों जल्दी बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? भीती चित्र के कारण, ये मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन करवाया था आपको, और एज इट इज आया भी था एग्जाम में, तो बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, भीती चित्र के कारण कहलाता है मंडावा, ठीक है, है कहाँ पे? झुंझुनू में है। दोस्तों कल की लिस्ट आपको दे रहा हूँ मैं, कल आपने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वस्त्र और आभूषण, उससे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक क्या प्रश्न पूछा था पता है आपको? यही क्वेश्चन था सर, हमें तो याद नहीं है भैया, याद नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? ऋषि श्रृंगी का शिलालेख उदयपुर में मिला था दोस्तों, कहाँ पर मिलता है? उदयपुर में मिलता है। सबसे पहले आंसर बताते हैं मान्य श्री गंगानगर, सेकंड पे आते हैं चुक्का विष्णुई जो कि आदर्श सर के लाली, नंबर थर्ड पे लोकेश के नागौर जी, फोर्थ पे सौरभ गोदारा जी, पांच पे टीना राठौड़ जी, छः पे संतोष चौधरी जी, साइलेंट गर्ल सात पे हैं, ललित चार देगाना जी आठ पे हैं, नौ पे अतिथि मीना जी, 10 पे भटकती आत्मा है, यहाँ पे भटक रही आत्मा भी है ना। तो चलिए दोस्तों ये तो थी आज की क्लास, अब मैं आपको आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। आज दोस्तों काफ़ी सफ़र पे था मैं, तो काफ़ी परेशान हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको क्लास दे रहा हूँ घर आके वापस, है ना जी, बिल्कुल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्नेहपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे आपने क्लास को अंत तक जुड़े रहकर देखा, थोड़ा सा लेट भी ज़रूर हुआ हूँ आज। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जल्दी से उत्तर देना है सभी को, बाहर के कमेंट से, सॉरी अभी अभी लाइव में देना है, इसकी लिस्ट बनेगी फिर। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोधी मीनार कौन से जिले में है? दोस्तों आपको मैं ऑप्शन भी दे सकता हूँ, आपका हो तो अलवर दे देता हूँ, और एक जालौर दे देता हूँ, और एक जो है अपना बांसवाड़ा दे देता हूँ, और एक अपना जो है यहाँ पे कौन सा दे देता हूँ, यहाँ पे एक यहाँ पर भरतपुर दे देता हूँ, ठीक है। तो जिन भी भाई बहनों को पता है ज़रूर बता देना, बाकी तो ऐसा ज़्यादा आज नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन ही दे रहा हूँ ओनली। तो चले दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार, और दिल से ही बहुत सारा प्यार, और दोस्तों
लाइक तो कर दीजो, ठीक है, और लाइक नहीं करी हुए तो कर दीजो, और बाकी सब कहीं क्यों मैं शेयर कर दिया करो, ठीक है, बढ़िया रहला, और नहीं तो पचे मन ठाक होनी, ठीक है, और बाकी सब्सक्राइब करना हुआ तो कर दीजो, ठीक है, क्योंकि उनमें बड़ो आनंद आया करे सब्सक्राइब करने में। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।